हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हमारी डिस्कशन ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है आयरलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। तो इसके बारे में कंटेक्स्ट यही है कि अभी इसको इस एजेंसी को एक्चुअली डेवलप है वो क्या गया है, होम मिनिस्ट्री इसके चेयरमैन है वो थे। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना यह हो जाता है कि आयरलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, होम मिनिस्टर की चेयरमैन की अध्यक्षता में ये काम है वो किया जाता है और इसका काम क्या है आयरलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का। इसका देखो मेन काम यही है कि जो भी हमारे देश के आयरलैंड है वहाँ का डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट में किस तरीके प्रिपरेशन प्लान चल रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर फोकस किया जा रहा है, जो भी प्लान बनाए गए हैं, पॉलिसीज वगैरह बनाई गई हैं उन पर कितना फोकस हो रहा है। मतलब मेन बात सीधी सी है कि आयरलैंड है उनका डेवलपमेंट करना है, उस पर क्या क्या जो पैरामीटर्स हैं उन सबको यहाँ पे कंसिडर है वो किया जाता है। तो अभी इसकी इस एजेंसी का निर्माण है वो किया गया था, उससे पहले भी इस बॉडी को बनाया गया था तो अभी इसकी मीटिंग वगैरह वो की गई थी। तो ये कंटेक्स था, तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना कि आयरलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमैन होते हैं वो यहाँ पे होम मिनिस्टर होते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में अगली बात आती है इसकी में और कौन कौन होते हैं इसमें मेंबर वगैरह। तो इसमें एक तो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, इसके बाद में सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी कौन कौन होते हैं, एक तो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके साथ ही सेक्रेटरी होते हैं टूरिज्म मिनिस्ट्री के, और इसके साथ ही होते हैं सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर के। क्योंकि आपको पता है कि आयरलैंड में मेनली ट्राइबल लोग भी रहते हैं, तो इसलिए वहाँ की जो ट्राइबल वेलफेयर है उसकी सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पे इस बॉडी में काम है वो साथ में करते हैं, वहाँ के मेंबर होते हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। देखो मेनली इसमें आप चेयरपर्सन ध्यान रखना कि होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर चेयरमैन कम ही चीज़ों के हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे हम एग्जाम में कन्फ्यूज वगैरह हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है एडोप हेरिटेज स्कीम के बारे में। देखो एडोप हेरिटेज स्कीम है वो एक्चुअली वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पे स्टार्ट की गई थी। कब, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है और उस मौके पे गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। मोटो क्या था, नाम से देखो साफ जाहिर हो रहा है कि एडोप हेरिटेज मतलब कोई भी एक धरोहर है उसको आप एडोप्ट करो, उसको आप गोद लो और उसके बाद उसको आप डेवलप करो टूरिज्म के लिए। तो इस स्कीम को मेनली कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके साथ इसमें जो और भी मिनिस्ट्री जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका भी इसमें कोलाब्रेशन है वो होता है, और टूरिज्म मिनिस्ट्री इसमें थोड़ा इंडायरेक्टली सपोर्ट हो करती है। बट ध्यान रखना कि जो मेन मिनिस्ट्री यहाँ पे है वो है कल्चर मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बस का मेनली काम ये होता है कि भाई जो भी धरोहर किसी को अडोप्ट करने के लिए दी जा रही है उसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अगर हेरिटेज दी जा रही है और वो उसको तहस नहस वगैरह कर दे, उसको काफी क्षति वगैरह पहुंचा दे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको ध्यान वगैरह रखता है। बाकी मिनिस्ट्री कौन सी है, कल्चरल मिनिस्ट्री का ये एक इनिशिएटिव है, तो वहाँ पे एग्जाम में टूरिज्म मिनिस्ट्री ऐसे कुछ है तो वहाँ पे कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कल्चरल मिनिस्ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि वो काफी कन्फ्यूज कर सकती है और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछती है। अब देखो बात तो ऐसी होती है कि इस स्कीम में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो प्राइवेट बॉडीज हैं या फिर गवर्नमेंट बॉडीज हैं या फिर इसके साथ कोई इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जिनको भी जो भी इसमें एक तरह से बिडिंग लगती है और उसके आधार पर लोगों को या कंपनीज को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको फिर हेरिटेज वो दी जाएंगी कि भाई आप टूरिज्म को डेवलप कीजिए। आप जैसे किसी को भी कोई साइट वगैरह दे दी गई, जैसे कि लाल किला एग्जाम्पल ले सकते हो, आपकी रेड फोर्ट दे दिया गया कि आप उस रेड फोर्ट किसी भी कंपनी वगैरह को दिया गया, तो वो उस रेड फोर्ट का ध्यान रखेगी, उसको संभाल के रखना पूरा काम, मेंटेनेंस वगैरह सारा सब कुछ, और इसके साथ ही वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना होता है। ये सारे बेसिक काम वहाँ पे किए जाते हैं, मतलब मेनली काम ये कि भाई टूरिज्म को हमें प्रमोट करना है किसी न किसी तरीके से। अब यहाँ पे एक वर्ड आता हुआ होता है मोन्यूमेंट मित्राज। तो मोन्यूमेंट मित्राज है क्या, देखो जब भी बिडिंग वगैरह लगेगी तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि सभी लोगों को एक ही धरोहर वो मिल जाएगी, तो कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स हैं या फिर सिलेक्टेड जो पब्लिक कंपनीज हैं प्राइवेट कंपनीज हैं उनको जो मिलेगी एक्चुअली जो भी मतलब मोन्यूमेंट मिलेगा उनको डेवलप करने के लिए, उन लोगों या उन कंपनीज या उन कंपनीज को बोल सकते हो आप, या फिर उन इंडिविजुअल लोगों को एक्चुअली मोन्यूमेंट मित्राज कह जाएगा, मतलब वो लोग जो मोन्यूमेंट की सहायता करेंगे उसको हेल्प करेंगे कंजर्व करने में या फिर वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं उनको बोला जाएगा मोन्यूमेंट मित्राज। तो ये चीज़ आप ध्यान सकते हो कि मोन्यूमेंट मित्राज है क्या, यूपीएससी पूछ सकती है घुमा फिरा के इसके बारे में। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें वो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक तो कल्चरल मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, काम क्या है वो है प्राइवेट एंड पब्लिक इंडिविजुअल, और इसके साथ ही वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर इसको स्टार्ट किया गया था, वो कब है, 27 सितंबर को हर साल आयोजित है वो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है पीएससीओ के बारे में, इसको परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन ऑन डिफेंस के बारे में। देखो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यूपीएससी की बात क्या है कि दूसरे कंट्रीज वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी हमसे पूछ लेती है क्योंकि इसमें इंडिया का कोई लिंक वगैरह है नहीं। आपको बता दूं यह क्या, यह एक इंटर गवर्नमेंटल परमानेंट और एक तरीके से बाइंडिंग फ्रेमवर्क है
और है किनके, ये मेनली यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को, डिफेंस जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए आपस में, ताकि अच्छे से और भी ज्यादा डिफेंस सेक्टर में पारदर्शिता है वो लाई जा सके, और अगर फ्यूचर में कोई भी अटैक वगैरह होता है तो उसमें सभी कंट्रीज मिलकर साथ काम करें। बाइंडिंग भी है इसके साथ परमानेंट है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, मतलब स्थायी है और एक तरीके से सभी के लिए बाध्य है और इंटर गवर्नमेंटल एक फ्रेमवर्क है। यूनाइटेड नेशंस और इसके साथ ही नाटो जो वहाँ का एक अलायंस है उसके साथ मिलकर भी है काम है वो करेगा। तो बस आप इतना ध्यान रखना कि पेस्को है वो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है और उसमें डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन वगैरह से लेंगे, तो एग्जाम में भी यूपीएससी की बार पूछ लेती है तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम के बारे में। देखो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी होम मिनिस्ट्री ने कुछ प्रोटेक्ट एरिया रेजिम है वहाँ पे थोड़ी छूट है नियमों में वो कर दिए कि वहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं उनको अलाउ कर दिया कि भाई यहाँ पे आप टूर वगैरह कर सकते हो। तो पहले तो हम प्रोटेक्ट एरिया देखते हैं कौन कौन से हमारे देश में, तो ये भी यूपीएससी में नहीं पूछ सकते कौन कौन से स्टेट में, जिसके मणिपुर का कुछ एरिया है, मिजोरम का, नागालैंड, इसके साथ उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, मतलब मेनली जो बॉर्डर वाले एरिया हैं जहाँ पे काफी सेंसिटिव एरिया होता है उन वाले एरिया को यहाँ पे एक्चुअली प्रोटेक्ट एरिया परमिट रेजिम के तहत रखा गया था। इसका मतलब ये होता है कि इन एरियों के अंदर जो एरिया प्रोटेक्ट किया गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे राजस्थान का मैप और यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तान का बॉर्डर वाला एरिया है, तो पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया में यहाँ पे प्रोटेक्ट एरिया परमिट रेजिम होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि फॉरेन से कोई भी टूरिज्म आ रहा है राजस्थान के एरिया में तो वो जो बॉर्डर वाले जो एरिया जो कि प्रोटेक्ट एरिया परमिट रेजिम के तहत आ रहा है इसमें घूम नहीं सकता विदाउट परमिशन। तो उसको पहले परमिशन लेनी होती है, तो परमिशन लेने का टाइम पीरियड होता है कि कम से कम 6 वीक या 10 वीक उससे पहले परमिशन लेनी होती है और उसके बाद ही इस प्रोटेक्ट एरिया में वो लोग विजिट वगैरह कर सकते हैं फॉरेन टूर। तो अभी होम मिनिस्ट्री ने ये किया है कि चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो टूरिस्ट आएंगे उनको छोड़ के बाकी अगर किसी भी कंट्री से कोई टूरिज्म इंडिया में आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, तो उनको एक्चुअली इन एरिया में छूट हो जाएगी। कौन कौन से स्टेट में, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की स्टेट में छूट देने की बात हो की गई है कि वो यहाँ पे आराम से विजिट है वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कंटेक्स्ट था जहाँ पे जो कंसल्ट या जो एक तरीके से परमिशन लेनी होती है वो लेनी होती है होम मिनिस्ट्री से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि आपको कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह, होम मिनिस्ट्री से उनको कंसल्ट या एक तरीके से परमिशन वो लेनी होती है, इसके साथ ही जो रिलेटेड एजेंसी होती है उनसे, उनको परमिशन लेने के बाद ही इन एरियो में विजिट वो किया जा सकता है। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कौन कौन से एरिया प्रोटेक्ट एरिया रेजिम में आते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट, पर्टिकुलर एरिया हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्टेट थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सा एरिया है, जैसे मणिपुर होगा, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं आगे, तीन स्टेट भी यहाँ पे ध्यान रखना कि चाइना, पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान के जो टूरिस्ट हैं उनको छोड़ के ही बाकी लोगों को यहाँ पर परमिशन है वो दी गई है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है, आर्टिकल आया है, वह है पेटा के बारे में। काफी न्यूज में रहता है पेटा। क्या है पेटा? पेटा है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। देखो बात ऐसी है कि जब भी कहीं सर्कस वगैरह चल रहा है या फिर कोई भी जैसे कोई फाइट वगैरह, डॉग फाइट वगैरह कुछ भी ऐसा चल रहा होता है कि वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार एनिमल्स का काफी हरासमेंट हो रहा है, उनको काफी परेशान किया जा रहा है, उनको काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनको कई बार काफी उनके साथ एट्रोसिटीज होती है, तो उस कंडीशन में एक्चुअली पेटा एक एजेंसी है, यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्जीनिया बेस्ड है, मतलब यूनाइटेड नेशन यूएसए बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम है वो करता है, और इसमें मैंने जो रूल रेगुलेशन है वो अमेरिका के जो एनिमल्स राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग बने गए हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिका बेस्ड है। इसके साथ ही अहम बात क्या होती है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जानवर जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटा ऑर्गेनाइजेशन यह काम करता है कि एक बार उनका हरासमेंट वगैरह ना हो सके, उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, उनको एक बार से लाइट बिजली वगैरह के करंट के थ्रू उनको काफी प्रताड़ित होते हैं उन सर्कस वगैरह में, तो उन सबसे बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया। तो ये चीज न्यूज में रहती है बहुत बार पेटा इंडिया में भी, और इसके हर मतलब ऑलमोस्ट कंट्रीज में इसके ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है वो बने हुए हैं, तो सभी कंट्रीज में मेनली ये काम है वो करता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है स्नोफ्लेक कोरल के बारे में। तो ये एक छोटी सी न्यूज तो नहीं बोल सकते आप, एक तरह से एक वर्ड है जिसके बारे में कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि है क्या। देखो स्नोफ्लेक कोरल है यह एक्चुअली एक आक्रामक स्पीसीज होती है, मतलब एक आक्रामक स्पीसीज कोरल की ही एक टाइप है, इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि करती क्या है, जैसे कि ओशियन के अंदर हमारे देश में जो कोस्टल एरिया होते हैं ना मेनली, जैसे कि ये हमारा साउथ का कोस्टल एरिया होगा, तमिलनाडु वाला एरिया हो, तो कोस्टल एरिया में क्या है कि जैसे जहाजों वगैरह का काफी मलबा वगैरह जमा हो जाता है जहाँ पे ओशियंस वगैरह में डाल देते हैं,
तो इस मलबे के अंदर एक्चुअली स्नोफ्लेक कोरल है, ये इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है और फिर ये काफी तेजी से बढ़ती है, और इतनी तेजी से बढ़ती है कि इन जो कोरल जो यहाँ पे एक तरीके से जो मलबा होता है ना, जहाज वगैरह का मलबा हुआ, इस एरिया में जो भी स्पीसीज रहती है ना, जैसे मछली वगैरह रहती है, फिर और भी छोटी मोटी दूसरी तरह की कोरल वगैरह रहती है, उनको यहाँ से भगा देती है, मतलब इनके एरिया में उनका घर में ही अटैक कर देती है और उनको यहाँ से भगा देती है, जिसकी वजह से फिर ये एरिया एक तरह से वीरान बंजर सा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि स्लो फ्लेक कोरल है वो क्या होती है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि एक इन्वेसिव स्पीसीज है नहीं है, तो हाँ भैया एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि मेनली जो मरीन इकोसिस्टम है उसको काफी प्रभावित करती है, मतलब समुद्री पारिस्थितिकी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, और जो लोकल यहाँ पे जो भी लोकल जो यहाँ पे फिश की स्पीसीज वगैरह होती है और भी जो कोरल होती है उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है वो करती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है आईपीसीसी के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई है क्या है। देखो सबसे पहली बात यह है कि आईपीसीसी है वो एक तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक जॉइंट प्रोग्राम है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि WMO और UNEP के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, 1988 में इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। काम क्या है इसका, काम देखो यही है कि जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं इन कोई भी कंट्री से किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी वगैरह बना रही है तो उनको एक तरीके से एडवाइस वगैरह करना कि भाई आप पॉलिसी बना रहे हो तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ये हो रहा है, इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान वगैरह रखना है, मतलब मेनली काम है कि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए ही है जो पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है उनमें हेल्प की जाती है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जो क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC, इसमें भी ये हेल्प है वो करती है, तो क्लाइमेट चेंज से एमएलए डील करने के लिए बनेगी है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उन दोनों का एक जॉइंट प्रोग्राम है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज है वो नहीं होना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है REN21 के बाद में, क्या है REN21 ये भी हम देख लेते हैं। REN21 का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क 21। इसमें देखो है क्या मेनली, मैं वो पॉइंट आपको बताता हूँ। यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया, तो यह एक पहली चीज तो याद आती है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या है इसका, काम ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसकी तरफ फोकस करना, मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को कम यूज किया जाता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी को एक तरीके से मेच्योर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना प्रमोट करना, ये सारे काम किए जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क 21 के तहत। तो ये चीज हमें ध्यान रखना कि REN21 है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, यूपीएससी पूछ सकते हैं कोई एक्सरसाइज है किस तरीके से, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल भी इन चीजों के बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तुरंत पॉइंट टू पॉइंट आंसर है वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेने हैं। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, अब हम चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअली है इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2018 के बारे में। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि यह वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उनको प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। पहला ऑप्शन तो यह है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसकी जो थीम है वो है बिजनेस बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो ये इसकी थीम है। देखो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हमने इसके बारे में कल ही डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2018 है वो नई दिल्ली में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा होस्ट की गई है, इसमें अप्रोक्सीमेट 31 कंट्रीज के आसपास पार्टिसिपेट किया गया है। थीम हमने देख ली थी अभी कि बिजनेस बियॉन्ड बॉर्डर्स की थीम है, और इसके साथ ही इसका मेन काम यह था कि जो हमारे देश की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको भी बूस्ट करना, इसके साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी आगे लेके आना, इंपावर करना और मेक इन इंडिया को बूस्ट करना, तो ये इसके बारे में हमने कल ही देखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है राजेश बिंदल कमेटी के बारे में, तो राकेश बिंदल कमेटी किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन तो यह है कि यह हेग कन्वेंशन से रिलेटेड है, और दूसरा ऑप्शन इसमें तो ऑप्शन क्या होंगे, राकेश बिंदल कमेटी डायरेक्टली हमें पॉइंट टू याद रखनी है, यूपीएससी इसको मैच द फॉलोइंग वगैरह भी पूछ सकती है। तो देखो राकेश बिंदल कमेटी हेग कन्वेंशन से रिलेटेड है, और हेग कन्वेंशन क्या है जिसके बारे में हमने कल ही देखा था कि हेग कन्वेंशन है वो उसका एक प्रावधान होता है कि जब भी दो बॉर्डर, मतलब क्रॉस बॉर्डर मैरिज होती है और उसमें जब डिफरेंसेस आ जाते हैं तो जो भी उनके चाइल्ड होते हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा वो एक्चुअली वहाँ की कोर्ट है वो डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे को इधर से उधर दोनों स्टेटों के बीच में परेशान किया जा रहा है एक तरीके से अपहरण की फॉर्म में, तो उस सब के लिए बनाई गई थी राकेश बिंदल कमेटी इंडिया में। और हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया है वो हेग कन्वेंशन का भी मेंबर नहीं है, इंडिया ने हेग कन्वेंशन को भी साइन है वो नहीं किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है वो एक्चुअली ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो है सिपकिला पास के बारे में। तो आपको ये बताना है कि इंडिया की कौन सी रिवर है जो सिपकिला पास से होकर और इंडिया में इंटर करती है, मतलब इंडिया में एक रिवर है जो कि तिब्बत से इंटर करती है सिपकिला पास के थ्रू, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। सिंधु है, सतलज है, रावी, व्यास, चेनाब वगैरह ये आपको ऑप्शंस में बताने हैं।
देखो इसका ऑप्शन है वो काफी इजी क्वेश्चन है ये, आपको आई होप कि आप आराम से इसको अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा वो होगा सतलज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूकेरियोटिक स्पीसीज के बारे में। यूकेरियोटिक स्पीसीज के बारे में पहला स्टेटमेंट ये है कि इनमें रीढ़ की हड्डी है वो नहीं पाई जाती है। पहला स्टेटमेंट तो यह है कि यूकेरियोटिक स्पीसीज में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि यूकेरियोटिक स्पीसीज है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। देखो पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यूकेरियोटिक जो स्पीसीज हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो यूकेरियोटिक स्पीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके बारे में भी हमने कभी देखा था कि यूकेरियोटिक स्पीसीज वो होती हैं जिनकी सेल जिनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, नाभिक है वो होता है। और आपको पता है कि नाभिक के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि डीएनए वगैरह को कंजर्व करके रखते हैं। जैसे कि हमने काफी बार बचपन में देखा है कि जैसे ये की सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर से वायर किसी फॉर्म में ऐसे संरचना होती है, उसको एक्चुअली बोलते हैं क्रोमोसोम। और जो यहाँ पे जो ये वाली संरचना है इसको बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस या नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एक मेनली यूकेरियोटिक स्पीसीज में पाए जाते हैं। तो ये एक्चुअली कल ही हमने देखा था, तो ऐसे यूपीएससी के बारे में बेसिक पॉइंट्स वगैरह देख पूछ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वारंगल ड्यूरीज के बारे में। देखो रिसेंटली वारंगल ड्यूरीज को जीआई टैग है वो मिला है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि वारंगल ड्यूरीज है वो तमिलनाडु से रिलेटेड करती है जहां से उनको जीआई टैग है वो मिला है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वारंगल ड्यूरीज है उनमें वेजिटेबल कलर्स हैं उनका यूज करके पेंटिंग है वो बनाई जाती है, मेनली कपड़ों के ऊपर या कपड़ों पर डिजाइन वगैरह बनाई जाती है। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह तमिलनाडु की नहीं है, यह है तेलंगाना की। तो यह तो एक सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि तेलंगाना की यह एक वारंगल ड्यूरीज है जो कि एक जीआई टैग उनको दिया गया है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वेजिटेबल कलर्स का इसमें यूज है वो किया जाता है। तो ये तो थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।